कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जगह जगह उन लोगों का तज़करा फरमाया है जिन्होंने हकीकी मानों में ईमान लाने के बाद आमाले सालेहा किए। उनकी ज़िंदगियों की पूरी तस्वीर, उनके नज़रियात क्या रहे, अफकार क्या रहे, ख्यालात क्या रहे, वो तसव्वुराती तौर पर किस दुनिया में रहे। सबसे ज़्यादा इंसान सुकून में या तकलीफ़ में ज़हनी तौर पर होता है। ज़हनी तौर पर अगर वो सुकून में है, इत्मीनान में है, तो इसका मतलब है वो हर लिहाज से सुकून में है, और अगर ज़हनी तौर पर वो बेसुकून है तो सारी सहूलियात के बावजूद वो तकलीफ़ में। अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों की सिफात का ख़ुद ज़िक्र फरमाया। कुरान मजीद देखिएगा, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उलाइकहुम खैरुल बरिया, फरमाया ये तमाम मखलूक से बेहतर लोग हैं। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, ये लफ्ज़ ही बहुत ज़्यादा हैं, अगर मज़ीद आगे कुछ न भी बयान किया जाए तो ये जुमले ही बहुत ज़्यादा हैं। फरमाया वो जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करें वो सारी मखलूक से बेहतर हैं। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, उनकी जज़ा उनके रब के पास है, अल्लाह के पास उनकी जज़ा है। क्या जन्नात वादनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए रहने के लिए बाग हैं, जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और फरमाया ऐसा नहीं है कि ये इनाम उन्हें आर्जी तौर पर दिया जाएगा, खालिदीन फीहा आबादा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, हमेशा के लिए अल्लाह उन्हें ये इनाम अता करेगा। और उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, ये एक अहम नुक्ता है जहाँ बहुत सारी दुनिया उलझी हुई है और कुरान पाक सुलझाता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, ये वो लोग हैं जिनकी जज़ा उनके रब के पास है, ये सारी मखलूक से बेहतर लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह जन्नत देगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा आबदा, उसमें हमेशा रहेंगे। लेकिन आगे जाके इख्तिताम पे उनकी जज़ाओं में से जो एक जज़ा बयान की वो बड़ी कीमती है। ज़हन के अंदर बहुत सारी आजमाइशों, बहुत सारे सवालात को हल करने वाला मसला है, जन्नतियों को रब एक जज़ा देगा। वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल करेंगे, वो जो सारी मखलूक से बेहतर लोग हैं, उनकी एक जज़ा बयान की, उनका एक इनाम बयान किया। खालिक फरमाता है उन पर मेरा इनाम यह है कि रदी अल्लाह अनहुम वारदू अन, फरमाया अल्लाह उनसे राजी है, वो अपने अल्लाह से राजी हैं। बड़ी सोहनी जिंदगी है, राजी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, मकाम तस्लीम और रजा पे हैं, वो ना खुशी खुशी। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह तो बड़ा करीम है, राजी हो जाता है, असल तो बंदे का राज़ी होना है, जो राज़ी होता ही नहीं, एक चीज़ दे दो तो एक और मांगता है, एक डिमांड पूरी करो तो एक और डिमांड कर देता है। ये बंदा अगर उस मकाम पे पहुंच जाए कि ये राज़ी हो जाए अपने रब से और ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने जहां मुझे रखा है कमाल हो गया, अगर ये राज़ी हो जाए फिर अल्लाह ताला इसे सुकून भी देता है, इत्मीनान भी देता है, यकीन कामिल की दौलत भी मिलती है, इस्तकामत भी मिलती है, सजदे का ज़ौक भी मिलता है, इबादत का नूर भी मिलता है, हुकूकुल इबाद अदा करने में आसानी भी होती है, फ़कीरी में बादशाही भी होती है, फिर जनाब फ़कर में सखावत भी होती है, फिर सादगी में हुस्न भी होता है, फिर वक़ार भी होता है, फिर वज़ादारी भी होती है। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये इसलिए कि वो अपने रब से डरने वाले हैं, उन्होंने ज़िंदगी ज़रा मोहतात होके गुजारी है, रब की नाफरमानी से बच के वक्त